की सरकार ने शेख हसीना पर अब जानकारी दी है। सबसे बड़ी खबर है विपक्षी नेताओं को सरकार की तरफ से दी गई जानकारी को लेकर। शेख हसीना सुरक्षित जगह पर है, सरकार ने यह इन्फॉर्मेशन अभी फिलहाल साझा की है। शेख हसीना की सुरक्षा की देखरेख NSA कर रहे हैं। शेख हसीना के साथ 4 से 5 लोग आए हैं। सरकार की तरफ से फिलहाल जिस तरीके से शेख हसीना को लेकर यह जानकारी इस वक्त रखी गई है सामने, इस बारे में और जानकारी के लिए मेरे सहयोगी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें विपक्षी नेताओं को सरकार की तरफ से क्या क्या जानकारी दी गई है इस बारे में और जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी आमोद। आमोद जी बताएं क्या खबर है इस बारे में। देखिए साफ साफ तौर पे अगर बात करें तो विपक्षी नेताओं को बताया गया है जो सरकार की तरफ से, वो ये बात है कि वहाँ अभी जो हालात है वो कल से बेहतर है और भारतीय जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको कोई खास दिक्कत अभी आज की स्थिति में नहीं है और लगातार केंद्र सरकार बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख है उनके संपर्क में है और कोई भी ऐसी हालत अगर बनती है तो केंद्र सरकार उसके लिए त्वरित कार्रवाई करने को तैयार है। तो किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं है, बॉर्डर पूरी तरह से सुरक्षित है और जो विपक्षी नेताओं से खास बात शेयर किया गया जो साझा किया गया केंद्र सरकार की तरफ से उसमें ये बताया गया कि चूंकि अभी शेख हसीना थोड़ा स्तब्ध है, कल जिस तरह से घटना घटी है हालांकि ये भी बताया गया विपक्षी दलों को कि ये कोई अचानक घटी हुई घटना नहीं है, वहाँ काफी दिनों से ये घटना चल रही थी लेकिन शेख हसीना अभी भी स्तब्ध है और इसलिए उनसे आगे के प्लान के बारे में भी बात नहीं हुई है कि उनका आगे का प्लान क्या है, इंडिया में रहेंगी रहना चाहेंगी या कहीं और जाएंगी। लेकिन उनको फिलहाल वही जहां पे कल उतरी थी लैंड की थी गाजियाबाद में वही रखा गया है, काफी सुरक्षा घेरे में उनको रखा गया है और उनकी सीधा देखरेख जो है NSA अजीत डोभाल कर रहे हैं और उनके साथ जो 4-5 अन्य लोग भी आए हुए हैं उनकी बहन के अलावा उनको भी वही रखा गया है, एक साथ रखा गया है और उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो इसका पूरा ख्याल किया जा रहा है। हालांकि आमोद जी इस बारे में भी आपसे जानकारी चाहूंगी, जब राहुल गांधी ने शेख हसीना के बारे में पूछा तो क्या बताया गया? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने शेख हसीना के बारे में जानकारी लेना चाहिए और उन्होंने पूछा कि उनकी हालत क्या है और कहाँ है वो, तो उसके बारे में ही ये बात बताई गई कि वो सुरक्षित हैं, NSA उनकी देखरेख कर रहे हैं और 4-5 जो उनके साथ अन्य लोग आए हैं उनको भी रखा गया है वही गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में और साथ ही उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और ये भी बताया गया कि चूंकि आगे का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन उनका क्या होगा और चूंकि अभी उनका मेंटल स्टेटस थोड़ा शॉकिंग है इसलिए उनसे नहीं पूछा गया है, जैसा वो कहेंगे वैसा आगे उसको एक्ट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आमोद जी आप हमारे साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं और बता दें TV9 इस वक्त सबसे पहले आपको बता रहा है कि सरकार की तरफ से किस तरीके की जानकारी साझा की गई है क्योंकि अभी तक खबर सर्वदलीय बैठक को लेकर सामने आई थी। अभी तक खबर ये आई थी कि सरकार के सामने सवाल किए गए थे शेख हसीना की भारत में मौजूदगी को लेकर, अब सरकार की तरफ से क्या बताया गया है और किस तरीके की जानकारी शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश के हालात को लेकर साझा की गई है उसके बारे में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे सहयोगी आमोद हमें बता रहे हैं। और आपको इस बीच बता दूं मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मनीष, क्या जानकारियां अभी तक इस बारे में और मिल पाई है क्योंकि उनकी भारत में मौजूदगी उनके स्टेट ऑफ माइंड को लेकर और उनका आने वाले वक्त में क्या हो सकता है फैसला इसको लेकर भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिलहाल साझा की गई है। बिल्कुल, देखिए विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सभी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान ब्रीफ किया उनको कि अभी तक बीते 24 घंटे में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है बांग्लादेश को लेकर। सबसे अहम बात यह है कि अभी शेख हसीना की हालत क्या है, स्वाभाविक है जिस तरीके से शेख हसीना को ढाका से निकलना पड़ा और जिस तरह से भारत आना पड़ा, यहाँ पर शरण लेनी पड़ी, उनको लेकर वो सदमे में है, शॉक है और अभी वो बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही है। भारत सरकार ने शेख हसीना से ये कहा है कि ये आप फैसला करिए कि आपको क्या करना है, अगर आप भारत में रहना चाहती हैं तो हम आपको हर संभव मदद के लिए तैयार हैं, अगर आप भारत से कहीं और जाना चाहती हैं तो फिर आप जा सकती हैं। तो ये बात भारत सरकार की तरफ से शेख हसीना को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार जो अभी ढाका में मिलिट्री चीफ हैं आर्मी चीफ हैं उनके साथ बातचीत कर रही है क्योंकि भारत सरकार की प्राथमिकता दो है, पहली बात इंडियन हाई कमीशन जो ढाका में है और जो भारतीय लोग हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना और दूसरी बात जो बांग्लादेश में रहने वाले 1 करोड़ से अधिक हिंदू हैं उन पर हमले ना हो क्योंकि इसकी आशंका बहुत ज्यादा है, खास करके इस्कॉन टेंपल पर हमले के बाद से ये बढ़ गई। और स्टूडियो और आपको मैं बता दूं सुरभि कि आपके कार्यक्रम में स्टूडियो में आने से कुछ मिनट पहले मैंने खुद ढाका में हिंदू समुदाय के नेताओं से बात की है, उन लोग बहुत डरे हुए हैं, उनका कहना है कि अभी थाने में पुलिस नहीं है,
मिलिट्री पर्सनल के हालात को लेकर मनीष अब से थोड़ी देर में बस मैं कुछ और तस्वीरों और रिपोर्ट्स दिखाने वाली हूं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है जहां शेख हसीना को लेकर सरकार की तरफ से, बांग्लादेश को लेकर सरकार की तरफ से जो जानकारियां अभी साझा की गई है उसके बारे में बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी हमारे साथ है। सुमित, शेख हसीना की भारत में मौजूदगी, उनके स्टेट ऑफ माइंड को लेकर तो हमने बात कर ली, लेकिन अब आगे वो क्या कदम उठाएंगी इसको लेकर भी सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। क्या इस बारे में भी कोई जानकारी या कोई बातचीत उनसे? देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा कि सुबह टीवी 9 भारतवर्ष ने अपने दर्शकों को यह बताया था कि आखिरकार उनका रुकना अभी यहां पर लंबे समय तक हो सकता है, क्योंकि अभी लगातार उन्होंने जो असाइलम मांग रही थी यूके से या फिर आप दूसरे कंट्री से, फिनलैंड से और यूरोप की दूसरी कंट्री, वो अब तक फाइनलाइज नहीं हुआ है और यही वजह है कि उनको अभी यहां रुकना होगा। जैसे मनीष बता रहे थे कि भारत सरकार ने ये उन पर छोड़ा है कि आखिरकार वो भारत में ही रहना चाहती हैं या वो असाइलम लेकर दूसरी कंट्री जाएंगी, ये उनको तय करना है। लेकिन अभी उन्होंने कुछ वक्त मांगा है, उन्होंने कहा है कि उनकी बातचीत लगातार दूसरे देशों में चल रही है जहां पर उन्होंने असाइलम की मांग की है और दूसरे देश उनको 24 घंटे का वक्त दिया है ताकि वो डिसाइड कर सके। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि इस समय कई यूरोप के देश, खासतौर पे ब्रिटेन हो या दूसरे देशों, इस समय बहुत ज्यादा असमंजस में है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो शेख हसीना को अपने यहां बुला लेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी एम्बेसीज में, उनकी जगहों पर लगातार अटैक हो जाएंगे और यही डर है। ऐसे में भारत ने ना सिर्फ शेख हसीना को अपने यहां पर एक सेफ, आप कह सकते हैं, हाउस में रखा हुआ है, बल्कि यह भी कि उनको हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। उनको कहा गया है कि देखिए, लगातार आपको जिस भी चीज की जरूरत हो, आपको जब तक रुकना हो आप भारत में रुक सकती हैं। बड़ी बात इस वक्त हमारे तीन सहयोगी बता रहे हैं, आमोजी, मनीष और सुमित, कि आखिर शेख हसीना और शेख हसीना की भारत में मौजूदगी के दौरान किस तरीके से सरकार से भी उनको लेकर सवाल किए गए और जयशंकर की तरफ से इस पर क्या जवाब राहुल गांधी को दिया गया। हालांकि इस बीच बड़ी खबर ये सामने आई है शेख हसीना को लेकर कि भारत सरकार ने शेख हसीना पर फैसला छोड़ा है और भारत में रहने को लेकर शेख हसीना खुद ही फैसला लेंगी।